मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 14 अक्टूबर 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य, बाबा कहे मीठे बच्चे, हेयर नो इवल। यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में झुटके खाते हैं। बाप कहते ना बुरा देखना है ना बुरा सुनना है। यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में झुटके आते हैं। प्रश्न, इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते, क्यों? इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते, क्यों? उत्तर, क्योंकि सभी देहाभिमानी हैं। देहाभिमान वाले स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते हैं? स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप हैं, जो तुम्हें भी देहाभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हैं। बाप के सिवाय सुप्रीम कोई कहला ही नहीं सकते हैं। ओम शांति। बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो जानते हो बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तीन की दरकार रहती है, पहले बाप, फिर पढ़ाने वाला टीचर और फिर पीछे गुरु। यहाँ याद भी ऐसे करना है, क्योंकि नई बात है ना। बेहद का बाप भी है, बेहद का माना सबका। यहाँ जो भी आएंगे कहेंगे ये स्मृति में लाओ, इसमें किसी को संशय तो हाथ उठाओ। ये वंडरफुल बात है ना। जन्म जन्मांतर कभी ऐसा कोई मिला होगा जिसको तुम बाप, टीचर, सतगुरु समझो। सो भी सुप्रीम, बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु, ऐसा कभी कोई मिला सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी मिल ना सके। इसमें कोई को संशय हो तो हाथ उठाएं। यहाँ सब निश्चय बुद्धि होकर बैठे हैं। मुख्य है ही ये तीन, बेहद का बाप। नॉलेज भी बेहद की ही देते हैं। बेहद की नॉलेज तो ये एक ही है। हद की नॉलेज तो तुम अनेक पढ़ते आए हो। कोई वकील बनते, कोई सर्जन बनते, क्योंकि यहाँ तो डॉक्टर, जज, वकील आदि सब चाहिए ना। वहाँ तो दरकार नहीं है, वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं है। तो अब बाप बैठ बेहद की शिक्षा बच्चों को देते हैं। बेहद का बाप ही बेहद की शिक्षा देते हैं। फिर आधा गलब कोई शिक्षा तुमको पढ़ने की नहीं है। एक ही बार शिक्षा मिलती है जो 21 जन्मों के लिए फलीभूत होती है, अर्थात उनका फल मिलता है। वहाँ तो डॉक्टर, बैरिस्टर, जज आदि होते नहीं, ये तो निश्चय है ना। बरोबर ऐसे है ना, वहाँ दुख होता नहीं। बाप पूछ रहे हैं, कर्म भोग तो होता नहीं। बाप कर्मों की गति बैठ समझाते हैं। वे गीता सुनाने वाले क्या ऐसे सुनाते हैं? बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। उसमें भी लिख दिया है श्री कृष्ण भगवान अवाच, परंतु वह है दैवी गुणों वाला मनुष्य। शिव बाबा तो कोई नाम धरते नहीं, उनका दूसरा कोई नाम नहीं। बाप कहते हैं, मैं ये शरीर लोन लेता हूँ। ये शरीर रूपी मकान हमारा नहीं है, ये भी इनका मकान है, खिड़कियाँ आदि सब हैं। तो बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप अर्थात सभी आत्माओं का बाप हूँ, पढ़ाता भी हूँ आत्माओं को। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर अर्थात रूहानी बाप। कोई को भी रूहानी बाप नहीं कहेंगे। यहाँ तुम बच्चे जानते हो ये बेहद का बाप है। अब स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है, वास्तव में स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस तो है ही नहीं। वह तो सच्चे स्पिरिचुअल है ही नहीं, देहाभिमानी है। बाप कहते हैं, बच्चे देहाभिमानी भाव, देह का अभिमान छोड़ो। ऐसे थोड़ी किसी को कहेंगे स्पिरिचुअल अक्षर अब भी डालते हैं। आगे से रिलीजियल कॉन्फ्रेंस कहते थे, स्पिरिचुअल का कोई अर्थ नहीं समझते। स्पिरिचुअल फादर अर्थात निराकारी फादर, तुम आत्माओं को स्पिरिचुअल बच्चे।
स्पिरिचुअल फादर आकर के तुमको पढ़ाते हैं, ये समझ और कोई में हो ना सके। बाप खुद बैठ बतलाते हैं कि मैं कौन हूँ। गीता में ये नहीं है, मैं तुमको बेहद की शिक्षा देता हूँ। इसमें वकील, जज, सर्जन आदि की दरकार नहीं, क्योंकि वहाँ तो एकदम सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं होता। यहाँ फिर सुख का नाम निशान नहीं है, इसको कहा जाता है प्रारलोक। सुख तो कांगविष्ट समान है, जरा सा सुख है तो बेहद सुख की नॉलेज दे कैसे सकते हैं। पहले जब देवी देवताओं का राज्य था तो सत्यता 100% थी, अभी तो झूठ ही झूठ है। ये बेहद की नॉलेज तुम जानते हो, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जिसका बीज रूप मैं हूँ, उनमें झाड़ की सारी नॉलेज है, मनुष्य को ये नॉलेज नहीं है। मैं चेतन बीज रूप हूँ, मुझे कहते ही है ना ज्ञान का सागर, ज्ञान से सेकंड में गति सदगति होती है। मैं हूँ सबका बाप, मुझे पहचानने से तुम बच्चों को वर्षा मिल जाता है, परंतु राजधानी है ना, स्वर्ग में मर्तबे तो नंबरवार बहुत है। बाप एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले तो नंबरवार ही होते हैं, इसमें फिर और कोई पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। वहाँ कोई बीमार होता ही नहीं, पाई पैसे के कमाई के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ते। तुम यहाँ से बेहद का वर्षा ले जाते हो, वहाँ ये मालूम नहीं पड़ेगा कि ये पदवी हमको कोई ने दिलाया है, ये तुम अभी समझते हो। हद की नॉलेज को तुम पढ़ते आए हो, अब बेहद की नॉलेज पढ़ाने वाले को देख लिया, जान लिया। जानते हो बाप बाप भी है, टीचर भी है, आकर के हमको पढ़ाते हैं, सुप्रीम टीचर है, राजयोग सिखाते हैं, सच्चा सदगुरु भी है। ये है बेहद का राजयोग, वह बैरिस्टर डॉक्टर ही सिखलाएंगे, क्योंकि ये दुनिया ही दुख की है। वह सब है हद की पढ़ाई और ये है बेहद की पढ़ाई। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, ये भी जानते हो। ये बाप, टीचर, सदगुरु कलब कलब आते हैं, फिर यही पढ़ाई पढ़ाते हैं सज्जत रेता के लिए, फिर लोप हो जाता, सुख की प्रालब पूरी हो जाती। ड्रामा अनुसार ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। श्री कृष्ण को तमेश माता, तमेश पिता, पतित पावन कहेंगे क्या? बाप पूछ रहे हैं, इनके मर्तबे और उनके मर्तबे में रात दिन का फर्क है। अब बाप कहते हैं, मुझे पहचानने से तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। अब श्री कृष्ण भगवान अगर होता तो कोई भी जड़ पहचान ले। श्री कृष्ण का जन्म कोई दिव्य अलौकिक नहीं गया हुआ है, सिर्फ पवित्रता से होता है। बाप तो कोई भी गर्भ से नहीं निकलते, समझाते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, रूह ही पड़ती है। सब संस्कार अच्छे व बुरे रूह में रहते, जैसे जैसे कर्म करते उस अनुसार उन्हें शरीर मिलता। कोई बहुत दुख भोगते, कोई काने, कोई बहरे होते। कहेंगे पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं जिसका ये फल है, आत्मा के कर्मानुसार ही रोगी शरीर मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको पढ़ाने वाला है गॉड फादर, गॉड टीचर, उसको कहते हैं गॉड परमात्मा, उसको मिला करके परमात्मा कहते, सुप्रीम सोल। ब्रह्मा को तो सुप्रीम नहीं कहेंगे, सुप्रीम अर्थात ऊंच से ऊंच, पवित्र से पवित्र। मर्तबे तो हरेक के अलग अलग हैं। श्री कृष्ण का जो मर्तबा है वह दूसरे को मिल नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर का मर्तबा दूसरे को थोड़ी देंगे। बाप का भी मर्तबा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता हैं, शिव तो परमात्मा है, दोनों को मिलाकर शिव शंकर कैसे कहेंगे? दोनों अलग अलग है, ना समझने के कारण शिव शंकर को एक कह देते हैं, नाम भी ऐसे रख देते हैं। ये सब बातें बाप यहाँ करके समझाते हैं। तुम जानते हो ये बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हर एक मनुष्य को बाप भी होता, टीचर भी होता और गुरु भी होता। जब बूढ़े होते हैं तो गुरु करते हैं, आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं। समझते हैं अगर गुरु नहीं किया तो अवज्ञा हो जाएगी। आगे तो 60 वर्ष के बाद गुरु करते थे,
अब वह होती है वानप्रस्थ अवस्था, निर्वाण अर्थात वाणी से परे, स्वीट साइलेंस होम, जिसमें जाने के लिए आधा कलर तुमने मेहनत की परंतु पता ही नहीं, तो कोई जा ही नहीं सकते हैं, किसको रास्ता बता कैसे सकते हैं, एक के सिवाय तो कोई रास्ता बता ना सके, सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती है, कोई तो जैसे कथाएं सुनते हैं, फायदा कुछ नहीं है, उन्नति कुछ नहीं है। तुम अभी बगीचे के फूल बनते हो, फूल से कांटे बने, अब फिर कांटों से फूल बाप बनाते हैं, तुम ही पूजे फिर पुजारी बने, 84 जन्म लेते लेते सत्व प्रधान से तमो प्रधान पतित बन गए, बाप ने सीढ़ी सारी समझाई है, अब फिर पति से पावन कैसे बनते, ये किसी को पता ही नहीं है, गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ आकर के हमको पावन बनाओ, फिर पानी की नदियाँ सागर आदि को पतित पावन समझ क्यों जाकर स्नान करते, गंगा को पतित पावनी कह देते, परंतु नदियाँ भी कहाँ से निकली, सागर से निकली ना, ये सभी सागर के संतान हैं, तो हर एक बात अच्छी रीति समझने की होती है। यहाँ तुम बच्चे सत्संग में बैठे हो, बाहर कुसंग में जाते हो तो तुमको बहुत उल्टी बातें सुनाएंगे, फिर ये इतनी सब बातें भूल जाएंगी, कुसंग में जाने से जुटका खाने लग पड़ते हैं, संशय का सब तब मालूम पड़ता, परंतु ये बातें तो भूलनी नहीं चाहिए, बाबा हमारा बेहद का बाबा भी है, टीचर भी है, पार भी ले जाते हैं, इस निश्चय से तुम आए हो, वे सभी हैं जिस्मानी अलौकिक पढ़ाई, लौकिक भाषाएं, ये है अलौकिक, बाप कहते हैं मेरा जन्म भी अलौकिक है, मैं लोन लेता हूँ, पुरानी जुत्ती लेता हूँ, सो भी पुराने से पुरानी, सबसे पुरानी तो ये जुत्ती है, बाप ने जो लिया इसको लॉन्ग बूट कहते हैं, ये कितनी सहज बात है, ये तो कोई भूलने की नहीं है, परंतु माया इतनी सहज बातें भी भुला देती हैं। बाप बाप भी हैं, बेहद की शिक्षा देने वाला भी हैं, और जो कोई दे ना सके, बाबा कहते हैं बल जाकर देखो कहाँ से मिलती है, सब मनुष्य है ना, व्यय तो ये नॉलेज दे ना सके, भगवान एक ही रथ लेते हैं जिसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने, बिल्कुल नज़दीक का दाना, ब्रह्मा सो विष्णु बनते, शिव बाबा इनको भी बनाते हैं, तुमको भी इन द्वारा विश्व का मालिक बनाते हैं, विष्णु की पूरी स्थापन होती है, इसको कहा जाता है राजयोग, राजाई स्थापन करने के लिए। अभी यहाँ सुन तो सब रहे हैं, परंतु बाबा जानते हैं, बोतों के कानों से बह जाता है, कोई धारण कर और सुना सकते हैं, उनको कहा जाता है महारथी, सुनकर फिर धारण करते हैं, औरों को भी रुचि से समझाते हैं, महारथी समझाने वाला होगा तो जट समझेंगे, घोड़े सवार से कम प्यादे और बिकम, ये तो बाप जानते हैं कौन महारथी हैं कौन घोड़े सवार हैं, अब इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है, परंतु बाबा देखते रहते हैं, बच्चे मूंझते हैं फिर झुटके खाते हैं, आंखें बंद कर बैठते हैं, कमाई में कभी भी झुटका नहीं आता है क्या, झुटका खाते रहेंगे तो फिर धारणा कैसे होगी, उबासी से बाबा समझ जाते हैं ये थका हुआ है, कमाई में कभी थकावट नहीं होती, उबासी है उदासी की निशानी, कोई ना कोई बात में झुटके अंदर खाते रहते वालों को उबासी बहुत आती है। अभी तुम बाप के घर में बैठे हो तो परिवार भी है, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं रास्ता बताने के लिए, मास्टर गुरु कहा जाता है, तो अब बाप राइट हैंड, अब बाप का तो राइट हैंड बनना चाहिए जो बोतों का कल्याण कर सके, धंधे सभी के बाप के धंधे सभी में नुकसान है, बिगड़ धंधे नरसे नारायण बनने के, सभी की कमाई खत्म हो जाती, नरसे नारायण बनने का धंधा बाप ही सिखलाते हैं बापा, तो फिर कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, जिनके पास बहुत धन है वे समझते स्वर्ग तो यहाँ ही है, बापू गांधी ने राम राज्य स्थापन किया, अरे दुनिया तो ये पुरानी तमो प्रधान है ना, और ही दुख बढ़ता जाता है, इनको राम राज्य कैसे कहेंगे, मनुष्य कितने बेसमझ बन पड़े हैं, बेसमझ को तमो प्रधान कहा जाता है, समझदार होते हैं सतो प्रधान, ये चक्कर फिरता रहता है,
इसमें कुछ भी बाप से पूछने का नहीं रहता। बाप का फर्ज है रस्ता और रचना की नॉलेज देना। व्यर्थ वो क्या देते रहते हैं, मुरली में सब समझाते रहते हैं, सभी बातों का रिस्पॉन्स मिल जाता है, बाकी पूछेंगे क्या? बाप के सिवाय कोई समझा ही नहीं सकते हैं, तो पूछ भी कैसे सकते हैं? ये भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो कि एवर हेल्दी वेल्दी, 21 जन्मों के लिए बनना है तो आकर के समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप जो सुनाते हैं उसे सुनकर अच्छी तरह धारण करना है, दूसरों को रुचि से सुनाना है, एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है, कमाई के समय कभी उबासी नहीं लेनी है। बाप जो सुनाते हैं उसे सुनकर अच्छी तरह धारण करना है, दूसरों को रुचि से सुनाना है, एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है, कमाई के समय कभी उबासी नहीं लेनी है। बाबा का राइट हैंड बन, भूतों का कल्याण करना है, नर से नारायण बनने और बनाने का धंधा करना है। बाबा का राइट हैंड बन, भूतों का कल्याण करना है, नर से नारायण बनने और बनाने का धंधा करना है। वरदान, किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बनाने की बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले पर मत से मुक्त भव। किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने की बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले परमत से मुक्त भव। कई बच्चे चलते चलते शेरमत के साथ आत्माओं के परमत मिक्स कर देते हैं। जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है तो उसे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं, कर कुछ नहीं सकते और ही सुन लेते और तो वह समाचार बुद्धि में चला जाता है, फिर टाइम वेस्ट होता है। इसलिए बाप की आज्ञा है सुनते हुए भी नहीं सुनो। अगर कोई सुना भी देना तो आप फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो तब कहेंगे परमत से मुक्त। स्लोगन, जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। जिनके दिल विशाल हैं उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। ओम शांति।